हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि अभी भले ही आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, सेपरेशन हो चुका है और आप अब वो आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और अपनी दुनिया में ही मस्त हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप कैसे हैं, किस हाल में हैं। तो ऐसा है गाइस कि अभी जो भी चल रहा है, लेकिन आपके पर्सन जो हैं आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा है। और आपके जो पर्सन हैं भले ही वो आपको अपनी फीलिंग नहीं बताते या आपको कुछ भी ऐसा शो नहीं कर रहे कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं या आज भी वो आपको प्यार करते हैं, ऐसा वो कुछ शो नहीं कर रहे, आपको अपनी फीलिंग नहीं बता रहे, इस वजह से आपको लगता है कि वो इंसान अब आपको बिल्कुल भूल चुका है, अब उसको आपसे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वो इंसान चाहता है। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि अगर वो आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो उनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, और अगर कभी कोई उन्हें परेशानी आ भी जाएगी तो वो आप सब सॉल्व कर लेंगे, आप उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे या आप कभी भी उनको परेशान नहीं होने देंगे। आप पर इतना ज़्यादा भरोसा आपके पर्सन को है। आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते गाइस, वो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ें। भले ही अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे दूर रह रहे हैं और कोई एक्शन भी आपके लिए नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके मन में तो यही है कि वो किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ जाएं और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए और आप दोनों एक साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और जो ये अभी नो कॉन्टैक्ट वाली स्थिति बनी हुई है गाइस, ये टेम्प्ररी है, ये ज़्यादा दिनों तक के लिए नहीं है, क्योंकि वो इंसान खुद ही आपके बिना नहीं रह पा रहा और वो आपकी तरफ बढ़ेगा, ये सेपरेशन ख़त्म होगा, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपके रिश्ते में जो अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हो पाया है गाइस, उसकी वजह यही है कि आप नेगेटिव होते हुए दिखाई देते हैं, आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, वो इंसान अब आपकी तरफ नहीं बढ़ेगा शायद, ये आपको लगता है। तो जो आप नेगेटिव हो रहे हैं उसी की वजह से आप रियूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, और वही वजह है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके पर्सन भी पॉजिटिव रहेंगे, और अगर आप नेगेटिव होते हैं तो वो भी नेगेटिव होते हैं, उनकी एनर्जी भी चेंज होती है। तो आपको इस वजह से नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है या ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, बहुत टाइम निकल गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, आपके पर्सन आपसे बात भी करेंगे। और अब आप अपने पर्सन पर पहले की तरह भरोसा भी नहीं करते, क्योंकि आपने आपको उस इंसान ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, आपको हर्ट किया, आपको चीट करके वो गए, तो इसकी वजह से आपका भरोसा पर उन पर से उठ गया है। तो अब आप पहले की तरह उन पर विश्वास भी नहीं करते, अगर वो इंसान आपसे सच भी कहेंगे तो आप मानने वाले नहीं हो, ये बात आपके पर्सन भी समझते हैं, क्योंकि गलतियाँ उन्होंने की हैं और आपको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि आपकी जगह कोई भी इंसान होगा तो यही होगा कि वो आसानी से उस इंसान पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकता जो उसे धोखा देकर गया है। आपके साथ भी यही हो रहा है, तो इस वजह से आप नेगेटिव होते हैं, और जब आप नेगेटिव होते हैं तो आपके पर्सन भी नेगेटिव होते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर खुद को रोक लेते हैं। तो इस वजह से आप पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छा है। और पास्ट में भी आपने बहुत कुछ किया और आप अकेले इस रिश्ते को संभालते रहे कि ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए, कहीं आप दोनों अलग ना हो जाए, इस वजह से आपने बहुत कोशिश की, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, उस इंसान की गलतियों को भी नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर भी आपके पर्सन समझ नहीं पाए, उन्हें लगता था कि आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं, तो उनकी जो मर्ज़ी वो करें, आप तो वैसे ही रहने वाले हो, उनके लिए ही आप जीना मरना बस आपने सोच लिया था कि उसी इंसान के लिए है। तो उनको ये बात अच्छी तरह से पता थी कि आप कहीं छोड़कर उन्हें जाओगे नहीं, इस वजह से वो अपनी मनमानी करते रहे, आपको परेशान किया, उनको कोई इस बात का कोई उस समय ये
था ही नहीं कि आप परेशान हो रहे हैं उनकी वजह से, तो थोड़ी तो दया वो कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। उस इंसान को अपनी मनमानी करनी थी, उनको अपनी खुशियों का ध्यान था, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया। और आप भी जब आपने देखा उनका रवैया कि अब वो इंसान आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, आपको इग्नोर करता है, और इस रिश्ते पर भी आप अकेले ही काम कर रहे हैं, उस इंसान का कोई सहयोग नहीं है, तो आपने भी फिर अलग हो जाने का फैसला किया है। आपने भी सोच लिया कि अब आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, उस इंसान के लिए परेशान नहीं रहना है, तब आपने अपने पर्सन से अलग होने का फैसला किया है। और आपके पर्सन का ध्यान पूरी तरह थर्ड पार्टी की तरफ था गाइस, उनको लगा कि वही सही है उनके लिए, आपका जो होना है हो, उनको अपनी अपना फ़ायदा दिख रहा था, अपनी खुशी दिख रही थी, इस वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ अपना रुख कर लिया और आपको अकेला छोड़ दिया। और आप भी चाहते तो हैं कि अपनी लाइफ में अब आप आगे बढ़ जाएं, उस इंसान के बारे में ना सोचें, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं, किसी भी तरह आपका ध्यान उसी इंसान पर जाता है। और अब देखिए आपके पर्सन, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहते, अब आप कोई भी पहल नहीं करना चाहते, क्योंकि आप परेशान हो चुके हैं और अभी भी आप परेशान हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा भी या नहीं, क्योंकि वो तो आपको कोई क्लैरिटी दे नहीं रहे, आपसे कोई बातचीत उनकी है नहीं, कोई एक्शन आपके लिए ले नहीं रहे, तो आपको भी ये लगता है कि अब पता नहीं वो इंसान आपकी तरफ आएगा भी या नहीं। लेकिन जब अब आपने उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ा है, अब आप चाहते हैं कि आप खुद पर काम करें, परेशान तो आप रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप भूल गए सब कुछ, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि जिस तरह वो आपकी तरफ अब ध्यान नहीं देते, तो आपको भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे उस इंसान की तरफ ध्यान देना नहीं चाहिए। तो अब आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि आप आपके जैसे इंसान को खोकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, अब उन्हें लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो सकता, लेकिन वो चाहते तो यही हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उनको ये भी लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक कर पाना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका और आप अब शायद मानने वाले भी नहीं हो। तो वो इंसान आपको स्टॉक तो करता है, आपके बारे में जानकारियाँ लेना तो चाहता है और करता भी है ये सब, वो आपके बारे में हो सकता है आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हैं जिनसे वो पूछताछ करते हैं, सोशल मीडिया पर भी आपके पर्सन आपकी अपन नज़र बनाकर रखते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह आपकी तरफ बढ़ें, किस तरह आपसे बातचीत शुरू करें। और अब आप किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते गाइस, आप चाहते हैं कि वो इंसान थर्ड पार्टी को छोड़कर पूरी तरह आपकी तरफ अगर बढ़ता है तभी आप उसको एक और मौका देंगे, और नहीं तो आप अपनी लाइफ में अकेले भी आगे बढ़ सकते हैं, आपको ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जो थर्ड पार्टी और आपको साथ में लेकर चलना चाहे। लेकिन देखिए पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपको समझ में भी आता था कि इंसान कुछ ना कुछ तो चालाकियाँ कर रहा है और सच्चाई आपको बता भी नहीं रहा, तो आपको भी तो कुछ ना कुछ समझ में आता था कि ये कहीं किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या कुछ भी, उनके रवैये से आप समझ सकते थे, लेकिन फिर भी आपने इग्नोर किया, उनकी गलतियों को माफ़ किया, आपने सोचा कि ये इंसान कभी ना कभी तो सुधरेगा, लेकिन उस इंसान में कोई सुधार नहीं आया। और उन्होंने जो प्यार आपको देना था, जो समय आपको देना था, जो सब कुछ आपके लिए करना था, जैसे कि आप उनके लिए कर रहे थे, लेकिन वो इंसान वो सब कुछ करता रहा उस थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ पर उनका फ़ायदा है। तो आप अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, पास्ट में जो जितना करना था आपने किया है, अब आप चाहते हैं कि वो इंसान अगर आपकी तरफ बढ़ना चाहता है तो पूरी तरह थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आएगा, तभी आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। और अब आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और आप यही चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से निकल कर वो आपकी तरफ बढ़ जाएं और पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों अपनी लाइफ में साथ में आगे बढ़ें। आप उनके साथ फ्यूचर देख रहे हैं और आपके पर्सन भी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन वही है कि वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे और डरते भी हैं, क्योंकि पास्ट में उन्होंने जो गलतियाँ की उसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ने से डरते भी हैं, आपके लिए आपसे बात करने से वो डर रहे हैं और चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन डर की वजह से भी वो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि आप इतने ज़्यादा नाराज़ होंगे कि अब पता नहीं क्या ही होगा, अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करते भी, आपको कॉल या मैसेज करते भी हैं, तो पता नहीं कौन सा भूचाल आ जाएगा। इस वजह से वो इंसान डर की वजह से भी आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, और दूसरी तरफ उसे ये भी पता है कि जब तक वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेगा आप उसको अपनी लाइफ में आने नहीं दोगे। तो अब आप यही सोचते हैं कि जो कुछ करना है तुम करो, तुम गलती करके गए थे, तुम्हारी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, तो अब तुम ही कोशिश करो, तुमको बढ़ना है मेरी तरफ तो बढ़ो, और नहीं बढ़ना तो ना भी बढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है।
और आपको ये भी लगता है गाइस कि आपने इतना कुछ किया फिर भी वो इंसान आपको धोखा दिया है, आपको छोड़कर वो किसी और की तरफ बढ़ गया। और जबकि देखिए वहाँ पर तो आपको भी ये बात समझ में आती है कि थर्ड पार्टी इतना कुछ आपके पर्सन के लिए करने वाली है भी नहीं, वहाँ वो आपके पर्सन को इतना भाव नहीं देती और जितना कुछ आपने उनके लिए किया वहाँ वैसा कुछ है ही नहीं, आपके पर्सन ही किए जा रहे हैं, थर्ड पार्टी बस मज़े लूट रही है। तो ये सब बात आप समझते हैं और इसी वजह से आप अपने पर्सन पर नाराज़ भी हैं कि जब हमने आपके लिए इतना कुछ किया तो फिर आप हमें धोखा देकर गए और आपको आप बस बताते ही रहे कि आपको बस हमसे प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन फिर भी आपने किया क्या, आपको किसी और की ज़रूरत क्यों पड़ी जब आपको हमसे इतना ज़्यादा प्यार था। तो ये बात आप पहले आप नहीं समझते थे लेकिन अब समझने लगे हैं, आप भी अब दिमाग का इस्तेमाल करने लगे हैं, उस इंसान की चालाकियों को आप समझने लगे हैं और इसी वजह से अब आप अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करना चाहते। आपने बिल्कुल ठान लिया है कि अगर आना है तो तुम आओ और नहीं भी आओगे तो कोई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम अपनी लाइफ में अकेले भी आगे बढ़ सकते हैं। पहले आप परेशान होते उस इंसान से, आपकी बात नहीं होती तो आप खुद अपनी तरफ से पहल कर लेते, अपनी तरफ से ही बातचीत शुरू कर लेते, कोई लड़ाई झगड़े होते तो भी आप माफ़ी मांग लेते, लेकिन अब आपने भी ये सोच लिया कि नहीं अब झुकना है ही नहीं, झुकना है तो तुम झुकोगे क्योंकि जो कुछ हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। इतना प्यार देने के बावजूद भी वो इंसान धोखा करके गया है तो अब दिमाग से काम लेने लगे हैं। पहले ऐसा था गाइस कि आप समझौता बहुत ज़्यादा करते थे, आपके पर्सन की गलती आपको समझ में आती फिर भी आप कुछ कहते नहीं, कुछ उनसे बोलते नहीं थे कि लड़ाई झगड़े होंगे और कोई फ़ायदा नहीं है कि वो इंसान आपसे कहीं अलग ना हो जाए, इस वजह से आप उनकी गलतियों को माफ़ करते थे। आपको समझ में आता था कि वो जो समय आपको देना चाहिए वो थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, जो कुछ आपके लिए करना चाहिए वो थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं, सब कुछ आप समझते थे लेकिन फिर भी आप समझौता करते थे कि चलो जैसा भी है ठीक है, उनके पास समय नहीं होगा या वो इंसान कहीं बिजी होगा तो मुझे वक्त नहीं दे पा रहा है। लेकिन अब आपको ये सब बात समझ में आई, देर से ही सही, लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि वो इंसान कोई बिजी नहीं था, वो जो समय आपको देना था वो थर्ड पार्टी को दे रहा था, जो प्यार आपको देना था वो थर्ड पार्टी को दे रहा था, ये सब कुछ देर से ही सही लेकिन अब आप समझ चुके हैं और यही वजह है कि अब आप झुकना नहीं चाहते, अब आप कोई समझौता करना नहीं चाहते और अब आप जिस तरह से उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहते हैं खुद के काम पर ध्यान देना, खुद पर ध्यान देना तो ये अच्छी बात है। आप जो अब उनको भाव देना बंद कर चुके हैं तो यही वजह है कि वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो इंसान चाहता है कि सब कुछ सही हो जाए और आपके साथ फ्यूचर भी देख रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, तो ये सब कुछ पहले ही आपको कर लेना था तो वो इंसान शायद इतना ज़्यादा बिगड़ता नहीं। अब वो जो अब बिगड़ चुका है तो उसको सुधारने के लिए जो अभी आप कर रहे हैं ये भी सही है, देर से ही सही, आपको समझ में तो आ गया कि किस तरह सुधारना है उस इंसान को, उसके सामने झुकना नहीं है। और देखिए कभी भी आप ये मत सोचिए कि वो इंसान किसी और के साथ मैरिड है, तो दुनिया कहती है ना कि वो किसी और का है और फिर तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, तो किसी की बात मत सुना करो, तुम बस इतना जान लो कि वो और तुम थर्ड पार्टी का कोई रोल ही नहीं है, बस इतना सोच कर चलो, वो किसी के भी साथ मैरिड है क्या है वो कुछ मतलब नहीं है, बात ये है कि यहाँ पर प्यार है, ठीक है, आप में और उस इंसान में, ठीक है अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई रिश्ते में तो वो बात अलग है, वो सब कुछ सही हो जाता है अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो आप चाहते हैं ना उसको लेकर आप जब पॉजिटिव रहते हैं तो वो चीज़ आपको मिलती है। तो इस वजह से एक दुनियादारी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि वैसा कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तक सब कुछ सही रहता है ना तो लोग बात बनाते हैं और रिश्ते को ख़राब करवाते हैं, इतना आप जान लो। आपका सब कुछ सही चलता रहेगा ना, आपका और आपके पर्सन का, तो कोई ना कोई आएगा ही आपको ज्ञान देने जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो और आप उनकी बात मान लो तो फिर आप अलग हो जाओ, क्योंकि जलने वाले बहुत हैं। तो अगर आपका पर्सन किसी और के भी साथ मैरिड है ना तो आप किसी की बात पर ध्यान मत दो, आप बस इतना जान लो कि आप और वो बस, वो थर्ड पार्टी को तो बिल्कुल भूल ही जाओ और आप पॉजिटिव रहना सीखो, बार बार नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि इतना टाइम हो गया वो इंसान नहीं बढ़ रहा ये तो वो नहीं, ये सब मत सोचा करो, आप बस इतना जान लो कि वो आपका है और आपकी तरफ बढ़ेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। और देखिए ये आपका जो रिश्ता ख़राब हुआ ये आपके पर्सन की वजह से हुआ, क्योंकि ये इन्होंने भी दूसरों की बातों को ज़्यादा सुना है, थर्ड पार्टी की बातों में ये आए हैं, तो यहाँ पर दूसरों की ही वजह से तो ये रिश्ता ख़राब हुआ, नहीं तो आपके पर्सन का ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ जाता ही क्यों, जब अगर वो उनकी बात को सुनते ही नहीं। तो यही आपको भी करना, आपको किसी की बात नहीं सुननी, कोई कुछ भी कहता है वो इंसान मैरिड है तो तुम्हें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो वो किसी की बात मत सुना करो,
हमारा दिल क्या कहता है, हमारी इंट्यूशन क्या कहती है, बस हमें वो सुनना है, वो हमारा है तो है, बस बात ख़त्म। तो आपके पर्सन के साथ यही हुआ कि उन्होंने थर्ड पार्टी की सुनी है तो वो उनकी तरफ हो गए, और उसी वजह से रिश्ता तो ख़राब कर लिया और अब पछता रहे हैं। दूसरों की बातों में आकर कभी आपको ब्लॉक कर दिया, कभी अनब्लॉक कर दिया। ऐसा लगता है कि ब्लॉक वाला ऑप्शन इसी इंसान के लिए बना था, ब्लॉक अनब्लॉक खेलते रहने के लिए। रिश्ते पर काम करने के बजाय ये इंसान बच्चे वाली हरकत करता रहा है, वो भी दूसरों की बातों को सुनकर। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आपका रिश्ता है, आप दोनों को समझदारी होना चाहिए कि किस तरह हमारे रिश्ते को हमें बचा कर रखना है और किस तरह समझौते से आगे बढ़ना है। और जब वहाँ तो तीसरे इंसान का इंटरफेयर होता है तो फिर ऐसा ही होता है। इस वजह से किसी की बात नहीं सुननी है, और आपके पर्सन को भी अब अकल आ गई है दूसरों की सुनकर क्या हाल होता है। एक अच्छा रिश्ता उन्होंने खो दिया, ये अब उन्हें समझ में आ रहा है। और अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करते हैं गाइस, तो थोड़ा सा आपको भी समझदारी दिखाना होगा। हाँ ठीक है, आप उनकी गलती की वजह से नाराज़ हैं, इतने ज़्यादा हर्ट हुए हो, भाई नाराज़ होना तो बनता है। तो लेकिन आप ऐसा नहीं है कि अगर वो आपसे माफ़ी मांगते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं तो आप फिर भी अब अपनी ही अकड़ में रहोगे तो फिर रिश्ता सुधरेगा कैसे? क्योंकि देखिए, आप भी तो उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं और वो भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। और देखिए, आपके पर्सन फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और देखिए शादी भी चाहते हैं। ठीक है, तो अगर वो इंसान आपसे कांटेक्ट करता है तो आपको भी बात करनी चाहिए। तो अगर वो इंसान आपसे माफ़ी मांगता है, आपकी तरफ बढ़ता है, आपके सामने झुकता है, तो आपको भी उन्हें माफ़ करना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। और लेकिन देखिए, पास्ट की तरह नहीं होना चाहिए कि आप देते रहे और वो इंसान लेता रहा, फिर वो अपनी मनमानी करेंगे। आपने पास्ट में इतना ज़्यादा कर दिया कि वो इंसान समझ गया कि आप उसे छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हो, इस वजह से वो अपनी मनमानी करते थे। आप हर्ट होते, उन्हें कोई मतलब नहीं था, वो तो खुश थे ना। तो आपको अब दिमाग से ही काम लेना है, जैसे इस अभी आप दिमाग से काम ले रहे हैं वैसे ही आपको उनके साथ रिश्ते में रहते हुए भी करना है, क्योंकि वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा। आप चाहो ना चाहो, वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। तो आपको यही करना है कि दिमाग से काम लेना है। अब आप जितना ज़्यादा सामने वाला आपके लिए करता है, आपको भी उतना ही करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सब कुछ सही रहता है। तो समझ गए गाइस कि आपको परेशान नहीं रहना है, सब कुछ सही हो जाएगा। बस आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहकर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, और किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।